जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, प्रतिदिन ऐसे कमेंट आते हैं, सभी की ये समस्या रहती है कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, ये मन मतलब रुकता ही नहीं है, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, मन इधर उधर भाग जाता है और हम श्वासों का जप करने के लिए बोलते हैं तो श्वासों का जप किया नहीं जाता है, मानसिक जप भी नहीं किया जाता है, ध्यान भी नहीं लगता है और अनहद सुनना चाहिए, जो हमने आज बताया था वीडियो में, सुबह वीडियो डाली थी, उस वीडियो को देखना, अनहद के बारे में आप नहीं जानते तो वो भी आपको नहीं सुनाई देता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो नए साधक हैं उनके साथ तो ये समस्या आती ही आती है और पुराने साधक भी हैं वो भी इस तरीके को अपनाएंगे तो उनकी साधना अति शीघ्र आगे बढ़ेगी। करना क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही सरल और आसान तरीका है। जब भी आप नाम जप करने बैठें, भगवान का भजन ध्यान सुमरण करने बैठें या आपने कोई और साधन अपना रखा है, मान लो आप ध्यान करते हो या आपको अनद सुनना है या आपको श्वासों का जप करना है या मानसिक जप करना, सारी बातों का निचोड़ तो एक ही होता है कि भगवान से जुड़ना। ये सारे काम एक साथ होंगे आपके, जो आज मैं बताऊंगी उसके द्वारा मन भी लगेगा, श्वासों का जप भी होगा, मानसिक जप भी होगा, अनहद भी सुनेगा और मन भी आपका एक जगह लगेगा। देखो, जब आप ध्यान करने जाते हो तो आधे से ज़्यादा समस्या तो ये होती है कि आपको एकांत नहीं मिलता, और एकांत अगर मिल भी जाता है तो फिर भी मन बाहर चला जाता है। अगर आप बिल्कुल एकांत चाहते हो तो जब भी आप कोई भी साधना करने बैठो तो आपको अपने कानों को बंद कर लेना है। अब अगर आप उंगलियों से कान बंद करोगे तो आपकी उंगलियां मतलब हाथों में दर्द होने लग जाएगा, आप एक दो मिनट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कर लोगे। तो उंगलियों से ना करके बाज़ार में एक वो मिलती है ईयर प्लग, या तो केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी वो, नहीं तो आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। उसमें क्या होता है, जब आप उसको दबाते हो आगे से, जो लीड की तरह होता है, जो हेडफोन होते हैं ना उनकी तरह, उसको दबाओगे तो वो फोम टाइप में होता है, वो दब जाएगा कान में। उसको डालते समय उसको दबा के कान में डालोगे तो फिर वो फूल जाता है, उससे बिल्कुल बाहर की आवाज़ आपके अंदर नहीं जाएगी। सुबह मैंने अनंतनाद वाले में हेडफोन भी बताई थी, परंतु हेडफोन से पूरी आवाज़ मतलब जाना बंद नहीं होती, थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर से आती रहती है। तो इसलिए ईयर प्लग बेस्ट है, ईयर प्लग को आप अपने कानों में लगाएं और कानों में लगा के आप आँखें बंद कर लें, और जैसे ही आप उसको कानों में लगाओगे 1, 2 या 5 सेकंड के बाद ही आपका पूर्ण ध्यान लगेगा, क्योंकि बाहर की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और आपको क्या करना, आपको अंदर ही तो उतरना है। जब आपके कानों में वो लग जाएगी, और ये लिखा भी हुआ शास्त्रों में कि दोनों कानों को बंद करके ये आवाज़ अनहद की, तो उसके लिए तो स्पेशल लिखा है, परंतु मेडिटेशन करते समय, नाम जब भजन ध्यान करते समय आप ऐसा करोगे तो मैं कहती हूँ इतना आपको अभी करके देख लेना, आप अभी आज ही करके देखो। आपके पास अगर ईयरप्लग नहीं है तो आप हेडफोन लगा के और आँखें बंद करके और नाम जप करना शुरू करो, तो देखो उस समय आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, चाहे वो अपने कानों से अगर अनंत नाद होने लगेगा तो वो सुनेगा, आपके सांसों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो ऑटोमेटिकली सांसों का जप होगा, सांसों पे ध्यान जाएगा पूरा। फिर सांसों के साथ आप राम नाम का जप करते हो या सोहंग बोलते हो या कृष्ण बोलते हो, कोई भी मतलब श्वासों का जब आप करोगे तो आपका श्वासों पर ही पूर्ण ध्यान रहेगा, और जब अंदर की आवाज़ आपको अपने सुनाई देगी शरीर की, तो आपका मन वहीं लगेगा, मन को लगना ही पड़ेगा। और अगर आप आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करोगे तो आज्ञा चक्र में मन वहाँ पे केंद्रित होगा, क्योंकि हमें मेन मकसद क्या होता है, इन साधनाओं के द्वारा अपने अंदर उतरना होता है,
और अंदर उतरने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि अपने कानों को बंद कर लो तो अंदर की ही आवाज़ें सुनेंगे। हमें सुनना क्या है, वो अंदर की आवाज़ सुननी है। वो अनहद क्या है, वो अनहद रूपी जो नाद होती है वो परमात्मा की ही आवाज़ होती है, आपको वही सुननी है। और अगर श्वासों का जप करो, कुछ भी करो, कहने का मतलब ये है हर चीज़ में आपका मन तुरंत लगेगा, तुरंत। आप अभी करें और अभी मुझे फिर कमेंट करके अवश्य बताना। मैं आपको ये वो प्रैक्टिकल बताती हूँ जो मेरे खुद के हैं और मैं खुद करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आपको लाभ मिले। और नए साधक बेचारे इतने परेशान रहते हैं, उनका मन किसी भी तरह से लगता नहीं। नए क्या, पुरानों का भी मन तो कंट्रोल में होता नहीं है। मन को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ये अभ्यास के बाद ही हो सकता है। और ये जब आप कानों को बंद करके थोड़े से दिन अभ्यास कर लोगे तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा, अपने आप आपका मन वहाँ लगने लगेगा। तो आप ये करके देखिए और इसके लाभ प्राप्त करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्रेमी भक्तों, दूसरा चैनल है हमारा ज्ञानदूत, उस पर भी हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।